सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम लोग फ्लैश लाइट जलानी पड़ रही है क्योंकि अभी फिलहाल हमारी सोसाइटी में सारी की सारी लाइट्स नहीं जली हैं और फिलहाल नवरात्रि चल रही है और हम लोग आए नीचे स्टॉल्स में खाने के लिए। फिलहाल अभी मैंने चिली पोटैटो और मंचूरियन ऑर्डर किया है क्योंकि मम्मी पापा के पास चल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ बाहर खा लेते हैं। चलो अभी फिलहाल अभी हम लोग चिली पोटैटो खाएंगे और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी हमारी सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग ये खाते हैं, बड़ा दिखने में तो टेस्टी लग रहा है, चलो देखते हैं कैसा है। बढ़िया, बस शुरू किया है चिली पोटैटो और मंचूरियन। देखो हमारी सोसाइटी में लगे हुए थे स्टॉल्स, तो ऑब्वियसली जब खाने का स्टॉल लगता है तो हम लोग आती हैं नीचे खाने के लिए। फिलहाल अभी हम लोग करते हैं खाना कंटिन्यू और देखने में तो टेस्टी लग रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं खाना। गाइस यहाँ पे लग रहा है टेंट, चेयर्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ लग रही है। यहाँ पे देखो सारे के सारे भगवान जी की मूर्ति वगैरह है, बट अभी यहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं जला रखे क्योंकि अभी यहाँ पे स्टेज प्रिपेयर हो रहा है जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह होंगी और भगवान जी की मूर्ति भी लगी हुई है यहाँ पे, और बाकी वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पे बाकी सारी की सारी चेयर्स लगी हुई है जहाँ पे लोग बैठेंगे और देखेंगे, और गद्दे भी लगे हुए हैं क्योंकि भजन कीर्तन चलता रहता है, दुर्गा पूजा है, नवरात्र चल रहे हैं, तो सब कुछ है। अभी वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, मैं अभी आप लोगों को वहाँ पे भी दिखाऊंगा। और देखो चलो अभी मैं आप लोगों को वहाँ से लेके चलता हूँ और वहाँ पे क्या क्या है। इस वाले एरिया में आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं और गद्दे भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा ये जो वहाँ पे लगा हुआ है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है और झूले तो लग ही जाते हैं बच्चों के लिए। एंड मैंने आप लोगों को एक व्लॉग में पहले ही बताया था कि वहाँ पे है हमारी सोसाइटी का मंदिर जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। अभी वो बना नहीं है पूरी तरीके से, बट वो बनेगा, अभी मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ। अभी ये है हमारी सोसाइटी का मंदिर, देखो कितना ज़्यादा अच्छे से सजा रखा है। वहाँ पे बैठने का स्थान भी है, यहाँ पे चेयर भी लगी हुई है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो झूले लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, और पूरी सोसाइटी अभी सारी की सारी लाइट जली भी नहीं है और ऑलरेडी इतनी सजी हुई दिख रही है। फैंस वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीनरी तो हमारी सोसाइटी में पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है हमारी सोसाइटी। और बाकी मंदिर देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, भगवान जी के मंदिर को इतना अच्छे सजाया हुआ है लाइट से। यहाँ पे सुबह सुबह भजन कीर्तन वगैरह चलते ही रहते हैं सुबह से, सोसाइटी मतलब लाइक पूरी रौनक भरी हुई है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हाँ बहुत अच्छा माहौल रखा है सोसाइटी में। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे नीचे क्या क्या चीज़ें वो रखी हैं, लाइट्स लगी हुई हैं और भी काफ़ी सारी ऐसे गद्दे लगे हुए हैं, स्टेज बन रहा है, अभी मैं आप लोगों को पंडाल में लेके जाऊँगा। बट अभी यहाँ पे जितना खाली दिख रहा है ना उतना खाली रहने नहीं वाला, बहुत सारे लोग आएंगे और चलने की भी जगह नहीं होती यहाँ पे, इतनी भीड़ हो जाती है, स्टॉल्स वगैरह लगेंगे, लोग यहाँ पे बैठेंगे, तो जब भीड़ होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी मैं आप लोगों को अभी पंडाल पर लेके चलता हूँ। अभी हम लोग आ रखे हैं स्टॉल्स पर जहाँ पर खाने का स्टॉल्स लगा हुआ है, यहाँ पर लगता है जब भी कोई स्टॉल्स वगैरह लगते हैं खाने के तो यहीं पर लगता है जब हमारी सोसाइटी में। और अभी फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है खाने में, मेरे को तो लग रहा है जैसे डोसा, छोले भटूरे, चाट वगैरह ही होगी, तो फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने का होगा और देखते हैं। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और लग भी नहीं रात के 11 बज रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे अभी प्रोग्राम चल रहा है, सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखो सारे के सारे लोग अभी नीचे ही हैं और अभी 11:15 होने वाले हैं, लग भी नहीं 11:15 ऐसा लग रहा है, अभी शाम के 7:30-8:30 ऐसे हो रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, अभी भी लोग नीचे हैं और काफ़ी मन लगा के सुन रहे हैं। फिलहाल प्रसाद मिल चुका है और 11
12 बजे टाइम था मिलने का प्रसाद, और अभी 12 बजे में 10 मिनट बचे हैं फिलहाल। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और लिफ्ट दबाते हैं जल्दी से, क्योंकि नींद भी बहुत तेज आ रही है।